हम लोग तौलिया लपेट के कहाँ जा रहे? तो दूसरा तौलिया। मैंने जाना किचन में, मैंने नहीं आपके साथ रहना है, मेरे काम करना है। क्या हो रहा है यहाँ मैं बताती हूँ आपको, क्या हो गया। ठहरो बैक कैमरा से। आगे आ जाओ। जी देखिए, सुबह सुबह ही पानी जितनी में मैंने अभी गैस पे चढ़ाया ही था, दस शैतान बच्चा जो है वो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ गया। ये देखो अभी तो आंखें भी मली जा रही। इतनी सुबह क्यों उठ गया आप? मम्मा की हेल्प करनी थी। बैठ जाओ पीढ़ी पे। ये देखो पीछे पीढ़ी, वहाँ पीढ़ी पे बैठ जाओ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं आपको दूध गर्म कर लेती हूँ, है ना। मैं इसका पहले दूध गर्म। तो ये देखो ये बैठ के काट रहे हम पहले। बस ये सुबह की जो है हमारी लंच की तैयारी भी हो रही है, ब्रेकफास्ट लंच दोनों बन रहा है। और मेरी हेल्प कर रही है किचन में, ये देखो करेले काटने में पापा। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कैसी आपकी तबीयत? ठीक है आज तो। ठीक है आज तो फ्रेश हूँ। अच्छा रेस्ट कर लेना था ना देर से। कोई बात तब रेस्ट तो जितने दिन हो गए लेटे हुए हो गए मेरे को। कोई नहीं कोई नहीं। तो जैसे मम्मा ने बताया ना, इस तरह से पकड़ने ना दोनों, फिर इस तरह से काटने ऐसे करके, इस तरह से क्योंकि इसके बीज पक्के अंदर से ना, तो हम बीज निकाल देंगे इसके। ये देखो इस तरह से फिर काटेंगे इनको। ये लो मैं देती हूँ आपको निकाल के ना। तो ये देखो इस तरह से हम बना रहे हैं करेले की सब्जी। ये काट के रख दिए पापा ने, ये मैंने अंदर साफ करके रख दिए। तो अब जब तक पापा करेले काटेंगे मैं तब तक बना रही हूँ पापा के लिए मॉर्निंग की। आज मैं चाय नहीं बना रही हूँ, आज मैं कॉफ़ी बनाऊँगी इनके लिए। क्यों बनाऊँगी वो भी आपको बताती हूँ। मैं कॉफ़ी बनाते बनाते ही आपसे बात करती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का टाइम है अभी, आई थिंक 5 बज रहे होंगे। और बारिश पूरी रात इतनी अच्छी हुई है ना, आज थोड़ी राहत मिल गई गर्मी से। तो हम इस टाइम किचन में, जैसे कि आपने देखा, बस मेरे बच्चे जो है वो अक्कू भी आ गई थी किचन में। तो हम दो लोग बैठे हैं किचन, दो नहीं तीन, एक पापा है, बाहर नहीं जाना बिठा रो। तीन लोग किचन में बैठे हैं, बस किचन में हो रही है ब्रेकफास्ट लंच सभी चीज़ों की तैयारी। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ पापा के लिए कॉफ़ी। मैं सोचा कॉफ़ी बना रही हूँ तो आप लोगों को बता देती हूँ कॉफ़ी क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली कल पापा का बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था, तो हम जो उनको कंटिन्यू जो है चेक कर रहे थे घर में बीपी, तो काफ़ी ज़्यादा लो आ रहा था। फिर हम उनको हॉस्पिटल भी लेके गए थे, बट वहाँ पे जो उनका बीपी लो नहीं आया, घर आते आगे मतलब वहाँ पे नहीं आ रहा था उनकी मशीन में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, पर इनकी हालात बहुत ख़राब हो गए थे। फिर उसके बाद हमने होम रेमेडी स्टार्ट कर दी, और जैसे कि नमक का पानी दिया पीने को, और फिर थोड़ी सी मैंने थोड़ी देर बाद कॉफ़ी भी पिलाई तो थोड़ा सा इनका ठीक हो गया। फिर हमने चेक किया, बीपी भी ठीक आ गया थोड़ा थोड़ा, और ये भी अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे बन रही है मेरी कॉफ़ी पापा के लिए। तो कॉफ़ी मैंने सोचा रही इनको कॉफ़ी देती हूँ सुबह। ये रहा दूध, एंड ये डाल दिया मैंने दूध जो है इसमें। चलिए बनाते हैं कॉफ़ी। ये डाल दिया मैंने दूध भी डाल दिया, और इसमें चीनी भी डाल दी है। ये करते हैं मैंने पापा को ब्रेकफास्ट तैयार। एक्चुअली पापा ना खाते नहीं सुबह, कुछ भी नहीं खाते। तो अभी हमने सिद्ध करके ज़बरदस्ती जो है ज़बरदस्ती करके कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। तो ये ब्रेड खिला रही हूँ मैं, इसको भी मना कर रहे थे खाने से, पर ज़बरदस्ती मैं खिला रही हूँ। अब जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना, वैसे खिलाना पड़ेगा हमारे को ज़बरदस्ती करके। तो अब मैं पापा को दूँगी ब्रेकफास्ट। अब करो आप ब्रेकफास्ट पहले, फिर करेंगे हम बाकी काम।
कैसी बनी चीनी? ठीक है ठीक है बात ठीक है। ये रहा पूरा सामान तड़के का, पूरा तो क्या, थोड़ा सा ये करेले रहे, ये प्याज और वो साटा भी गूंद के रख दिया है। यहाँ पे तेल भी चढ़ गया है, ये प्याज है और ये पति देव जी। ये रहे पति देव जी, ये बिल्कुल अभी अभी आए हैं सो के मजे से। हम लोग 5 बजे के आए हुए हैं। इवन अक्कू छोटा बच्चा भी जागे, आप क्यों नहीं जागे इतनी जल्दी? अरे मैं उठा हुआ था, जागा ही तो हुआ। उठा हुआ था क्या मतलब? उठा हुआ तो फिर आज बारिश हुई, कैसे लग रहा आपको? एक मिनट, यहाँ मत डालो बोझ, अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा बोझ मत डालो मेरे कंधे के ऊपर, मेरे नाजुक कंधे जो है वो टूट जाएंगे, है ना। फिर आज मंडे भी है, बिजी मंडे, फिर करेले बन रहे भाई आज, और फिर जाना तो कोर्ट है अपने, है ना। छुट्टी करनी? नहीं छुट्टी चलो 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 पानी पी लो, ये पीरे पानी ये रखा पानी गर्म। हम लोग तौलिए लपेट के खा जा रहे। दूसरा तौलिया? मैंने जाना किचन में, मैंने नहीं आपके साथ रहना है, मेरे काम करना है। क्या हो रहा है यहाँ मैं बताती हूँ आपको, क्या हो गया। ठहरो बैक कैमरा से ये देखो, यहाँ गली में भर गया पानी और यहाँ पे हम बचा रहे हैं बिल्ली के बच्चों को। कहाँ जैसे है इसके पीछे है। इसके अंदर चले गए यार। तो अब क्या करोगे आप यहाँ से? पानी निकालता हूँ यहाँ से, बंदू है मिट्टी वाली। गली के लिए, बाहर के लिए निकालोगे इसको? कुदरी तो जाएगा रास्ता। तो ये करने आए हम, यहाँ देखो पानी कितना भर गया ना अंदर, वो उसके अंदर ना बिल्ली के बच्चे रहते हैं परी को, वो पूरा ही भर गया पानी के साथ। तो इसमें बेचारे बह जाएंगे वो लोग ना, तो फिर हम ये करने आ गए अभी यहाँ पे। तो मैं जा रही तब है ना, मैं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने आई थी ये ना, ये हमारी गली है पीछे। यहाँ देखो हमने गली में क्या क्या रखा था, ये टायर, ये तार के रिंग और सारा इंटे उंटे, बस ये रखा था हमने गली में। बिल्ली निकली बाहर? निकली बिल्ली के बच्चे बाहर? अंदर ही। अरे बचा रही जैसे। तो चलो मैं किचन में जाती हूँ, अपना काम करती हूँ। ये देखो झाड़ू भी लगा दिया मैंने, पोछा लगाने को सोच रही हूँ बट अभी लगाऊंगी नहीं। और हमारे घर में काफ़ी शोर आता रहता है क्योंकि अक्कू इतनी शरारती है ना, इसलिए मैंने गर्म पजामा निकाला, ठंड सी होगी इसको गर्म पजामा पहनाऊंगी अब मैं। ये देखो जी साफ हो गया मेरा रूम भी, बाकी इसको ढूंढती हूँ बाहर। अक्कू कहाँ है तू? ए ले गर्म पजामा पहनना, चेंज कर ले। जय माता की। गर्म पजामा पहनना आज है ना, गर्म पजामा, ठंड हो गई है तो प्यार से बोलते हैं। अरे अक्कू जिद नहीं करते, नेबुलाइजर यूज कर रहे रख रहे है। अच्छा अच्छा रख रहे हैं, यहां रखा हुआ है ना। रख देते हैं इसको, रबड़ सा वो था इसमें तार सी, वो फेंक दी थी। वो तो फेंक दी थी शायद, लग रहा है। बीपी चेक कर लिया आपने सुबह? इसको रख दो करना अभी, तार लगी ना। अच्छा अच्छा रबड़ लगा देने, ये मिल लो। तो जी यहाँ पे देखो अब आ गई हूँ मैं किचन में। जैसे कि आपने देख लिया मैंने करेले लगा रखे, तो ये बीपी मैं चेक करी कहीं फंस ना जाए। अब कोशिश करूँगी थोड़े आज मेरे फ्राई जैसे हो जाए, सूखे सूखे से ना, ज़्यादा मज़ा आ जाए करारे करारे से, करारे करारे करेले करते ना बड़ा मज़ा आता है उसमें। मैं ये ढक्कन खुला ही रखूँगी, इस पर ढक्कन नहीं लगाऊंगी क्योंकि अगर मैंने ढक्कन लगा दिया तो भाप आ जाएगी और ज़्यादा पक जाएंगे ये। तो जी ये देख लो आज बाहर का व्यू, ठंडा ठंडा मस्त है। देखो बच्चे जा रहे स्कूल और काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश सी। और ये दिखा शिमला की वादियाँ भी साफ दिख रही है एग्जैक्ट, जैसे ये चोटी है ना, गर्मियाँ जब ज़्यादा थी मतलब बारिश से पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ही धुंध धुंध होती थी। इवन अब तो जो है वो दिख रहा अच्छे से, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। तो ये मेरे हाथ में रहा मास्क और रोटी,
ये रोटी मैं गाय के लिए दे रही हूँ बक्कू के पापा के पास। तो अभी गेट बंद है, वैसे पापा का वेट कर रही हूँ, वो आ रहे हैं क्योंकि अब जो है टाइम 9 बजने वाले है और कोर्ट का टाइम है, बस जा रहे कोर्ट को। तो अक्कू के पापा अपना लंच आजकल नहीं ले जाते, ये मत सोचना कि ये रोटी मैं अक्कू के पापा को दे रही हूँ, बट ये मैं गाय के लिए भेज रही हूँ। रास्ते में उन्हें गाय मिल जाएगी तो वहाँ पे दे देंगे गाय को ये, और वो आजकल लंच नहीं ले जाते हैं तो उनका लंच नहीं जा रहा उनके साथ। तो वेट कर रही हूँ वो आते हैं, तो यहाँ पर खड़ी हूँ, अभी आए नहीं अंदर, पता नहीं कितना तैयार हो रहे हैं। निकल रहे हो क्या? हाँ, जैकेट पहनना, मास्क मिले, मास्क है ये ब्लैक, नहीं ये नहीं आता मेरे को, वही तब कौन सा मास्क चाहिए। तो अभी आ गए हम रूम में, खाना वाना खा के हो गए फ्री, और आज मौसम जो है वो ख़राब है, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह कि बारिश हो रखी थी पूरी रात आज, और मौसम अच्छा है बट धूप नहीं है, ख़राब सा है। आपको मैं दिखा देती हूँ बाहर खिड़की से, अगर आपको दिख रहा थोड़ा सा तो ख़राब सा ही है। हाँ जी, और आपको ये देखो यहाँ छिपी हुई है, इसकी छिपन छुपाई कर ली हुई है, अब मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी, और साथ में ये वाला ब्लॉग अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया आज का तो करना है लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।